हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मनाली वाला दोस्त जो है इस समय मनाली की मॉल रोड पर। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि मॉनसून सीज़न में मनाली का मॉल रोड कैसा दिखता है और इस समय अगर आप यहां आना चाहते हैं तो किस तरह का आपको माहौल मिलेगा और यहां पर क्राउड मिलेगा। मॉल रोड पर इन दिनों काफ़ी कम आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी और यहाँ आप आराम से अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ऊपर आप देख ही सकते हैं कि पूरा मौसम क्लाउडी है, जो लगभग इस महीने ऐसा ही रहेगा। रोड की बात करें तो रोड पर आपको कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं मिलेगा और अगर होगा तो वो मूवमेंट ट्रैफिक ही होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं और पूरी खूबसूरती आपको मॉल रोड पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ मॉल रोड से ही देख सकते हैं कि यहाँ कितना सुंदर माहौल है और आप देख सकते हैं कि बादल किस तरीके से यहाँ पहाड़ों में फंसे हैं और यही माहौल इस जुलाई और अगस्त के सीज़न में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ जहाँ लोग मनाली घूमने की चाहत में यहाँ आना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें यहाँ का माहौल जो कि बरसात के बाद हो जाता है डराता है। यदि आप लोगों का मनाली घूमने का प्लान बन ही गया है तो यात्रा के दौरान अपने साथ प्रॉपर फूड और पानी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर किसी वजह से लैंडस्लाइड होता है और आपकी गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो स्पेशली खाना और पानी ज़रूर अपने साथ रखें। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ घूमें तो नदी नालों से बिल्कुल बचकर ही रहें, क्योंकि कभी भी अचानक से पानी आने का पूरा चांस रहता ही है। और हाल ही में कई दुर्घटना हो गई हैं, देखने में लगता है कि कुछ नहीं होगा लेकिन कई बार हादसे हो ही जाते हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए मनाली से जुड़ी हुई तो आप मुझसे कमेंट में पहुंच सकते हैं, क्योंकि डीएम्स में स्पैम रहते हैं तो मैं वहां पर जवाब नहीं दे पाता।